ये हंसी सुन रहे हैं आप, हंसी पुलिस वालों की है और किसी जोक पर नहीं, किसी की मौत पर है। एक भारतीय की मौत पर, एक लड़की की मौत पर। और ये हंसी कई सवालों को लिए हुए है। जी हाँ, सड़क दुर्घटना में जब कोई घायल होता है तो एक आम आदमी का फर्ज बनता है कि उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए, पर यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। सड़क दुर्घटना हुई, लड़की की जान चली गई और हंसने वाला एक वर्दीधारी था। चलिए आपको अब पूरा मामला समझाते हैं। घटना अमेरिका के सिएटल की है। तारीख थी 23 जनवरी। इसी दिन जानवी कुंडला नामक भारतीय छात्रा की पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद मौत हो गई। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। एक वीडियो फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें जानवी को टक्कर मारने के बाद पुलिसकर्मी को फोन पर हंसते और मजाक उड़ाते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में सिएटल पुलिस ऑफिसर्स गिल्ड के उपाध्यक्ष डैनियल ऑडेरर को गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। वो फोन पर गिल्ड के अध्यक्ष माइक सोलन के साथ बातचीत करते हुए कहते हैं वो मर चुकी है। इसके बाद ऑडिटर हंसते हुए कहते हैं वो एक आम इंसान है, बस एक $11,000 का चेक लिखो। वैसे भी वो 26 साल की थी, उसकी कुछ खास कीमत नहीं थी। एक तरफ जहां हमारे देश में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत के लिए पलके बिछा दी जाती है, तो दूसरी तरफ उसी अमेरिका में पुलिस वाले ये तय कर रहे हैं कि एक भारतीय की जान की कीमत क्या है। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है। आपको बता दें कि जानवी को टक्कर मारने वाली कार को केविन डेव नामक पुलिसकर्मी चला रहा था। शुरुआत में ऑर्डरर ने जानकारी दी कि ऑफिसर डेव अपनी कार को लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे थे, जो स्थानीय नियमों के हिसाब से है। हालांकि बाद में पुलिस जांच में पता चला कि जब कार ने जानवी को टक्कर मारी तो उसकी रफ्तार 119 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यही वजह रही कि वो इस टक्कर से 100 फीट दूर जा गिरी। इसके बाद घायल की मदद करने की जगह पुलिसकर्मी हंस रहे थे और अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे थे। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर सिएटल पुलिस का कहना है कि वो मृतका के परिवार के संपर्क में है और गोपनीयता के उनके अनुरोध का सम्मान किया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि हम एक बार फिर इस दुर्घटना को लेकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, पर यह संवेदना अब एक दिखावा मात्र है और कुछ नहीं, क्योंकि जिस बेशर्मी से पुलिस वाला हंसता हुआ नजर आ रहा है और एक भारतीय की जान की कीमत तय कर रहा है, ये बताता है कि आज भी अमेरिका में भारतीयों को लेकर सोच बदली नहीं है। ये बताता है कि देश चाहे कितना ही विकसित हो जाए, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक मानवता यूं ही सड़क पर दम तोड़ती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।